सो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. आई एम प्रवीण पटवारी एंड आज हम लोग सब मिले हैं कि हम लोग सब ये डिस्कस कर पाए कि किस तरीके से हम लोग CP 1, 2, 3 का जो एग्जाम है, अगर किसी ने CP 1 दिया है या फिर किसी ने CP 2 दिया है या फिर किसी ने CP 3 दिया है, तो किस तरीके से हम लोग अपना आगे का जो प्लानिंग है वो कर सकते हैं. ठीक है, तो देखो CP 1 एक तरफ है एंड CP 2, 3 एक तरफ है. ठीक है, तो CP 1 जो लोगों ने दे दिया है एंड जिनका CP 2, 3 नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्टेप उनका होना चाहिए कि उनको CP 2, 3 की ओर में अब जाना चाहिए. बट इसमें भी एक कैच है. कैच क्या है कि अगर आपका पहले का CMCS CB का कोई भी पेपर बच रहा है तो पहले आपको वो कंप्लीट करना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका CB 1, 2 नहीं हुआ है और आपने CP 1 दे दिया है, तो फर्स्ट स्टेप आपको पहले CB 1 और CB 2 करना पड़ेगा. अगर आपने अभी CP 2 या फिर CP 3 में से कुछ दिया है, देन आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप CP 1 तो अप्रैल अटेम्प्ट में दो ही. कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है जिसका CM और CS कंप्लीट हो चुका है, लाइक CM 1, 2 एंड CS 1, 2, तो उसको अप्रैल अटेम्प्ट में CP 1 देना चाहिए. इसका रीजन क्या है, CP 1 का जो एग्जाम है उसमें थोड़ा प्रिपरेशन ज्यादा लगता है एंड उसमें क्या है, अभी ये वाला जो अटेम्प्ट है ये काफी लंबा अटेम्प्ट है. आप अगर देखेंगे इसमें आपको लगभग 7 महीने का टाइम मिलता है, तो 7 months ऑफ टाइम में यू कैन वेरी नाइसली प्रिपेयर फॉर CP 1 एग्जाम. ठीक है, अभी ये जो बड़ा अटेम्प्ट है, फॉर एग्जाम्पल आपका CP 2, 3 पहले क्लियर हो गया है और अभी आपने CP 1 का एग्जाम दिया है, ठीक है, और पहले के भी आपके सारे पेपर्स क्लियर हो गए हैं, देन यू शुड मूव विद SP. तो SP में देखिए क्या, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है. आप जो भी डोमेन में काम कर रहे हैं आपको वो डोमेन का पेपर देना पड़ेगा. अब उसमें भी एक जो पॉइंट है वो जो मैं पुट फॉरवर्ड करना चाहूंगा, यू कैन लुक फॉर इन्वेस्टमेंट पेपर. लाइक SP 5 एक ऐसा एग्जाम है ना जो लाइफ के संग भी जाएगा, जनरल के संग भी जाएगा, पेंशन के संग भी जाएगा. तो SP 5 इन्वेस्टमेंट का है, आपने पहले CM 2 पढ़ रखा है तो उसी पे बेस्ड है. आपको अगर अपना पर्सनल फाइनेंस, आपको स्टॉक मार्केट पूरा सीखना है अच्छे से, तो SP 5 कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू. ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सिर्फ अभी एक एग्जाम दिया है, लाइक मे बी CP 2 दिया है या फिर CP 3 दिया है एंड आपका CP 1 और CP 3 पेंडिंग है या फिर CP 1 और CP 2 पेंडिंग है, देन आई विल सजेस्ट कि आपको ये दोनों देने चाहिए अप्रैल अटेम्प्ट में. CP 1 के संग में आप CP 2 या फिर CP 3 भी दे सकते हो. और अगर आपका CP 2, 3 क्लियर नहीं है, आपका CMCS CB क्लियर है, आपने अभी CP 1 अटेम्प्ट किया है, तो आपको CP 2 एंड CP 3 देना चाहिए. मैंने एसोसिएटशिप जब तक कंप्लीट नहीं हो फेलोशिप के पेपर्स में हाथ नहीं देना चाहिए. दिस इज द ऑनेस्ट पीस ऑफ एडवाइस. बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं सर मेरा जो है, मैं काफी टाइम से इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, फिर काम कर रही हूँ एंड मेरे को एक SP का पेपर, फॉर एग्जाम्पल आप लाइफ में काम कर रहे हो तो आपको SP 2 देने का इच्छा है, तो आप SP 2 को क्लब करो CP 2 या फिर CP 3 के साथ. जो भी चीज का ट्रेनिंग अवेलेबल है मार्केट में, आप ट्रेनिंग लेके करोगे ना, आपका टाइम बहुत सेव होता है. आज के दिन पे कोई भी SP पेपर 150 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है. एक बार CP 1 जैसा पेपर 150 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है, CP 2 100 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है, CP 3 50 आवर्स में कंप्लीट हो सकता है. Now, where we are going wrong is that, हम लोग को ये लगता है जॉब में जाने के बाद में कि यार अब हमको ट्रेनिंग का दरकार बिल्कुल नहीं है. बट ऐसा नहीं है. ट्रेनिंग से आपको डिसिप्लिन मेंटेन होता है, ट्रेनिंग से आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन होता है. आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको क्या पढ़ना है, कितने क्वांटम में पढ़ना है, कैसे पढ़ना है. सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, रिविजन कैसे करनी है, तो वो स्ट्रैटेजी के लिए ट्रेनिंग आपको हेल्प करता है हर चीज में. एंड द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इज नाउ. क्योंकि क्या होगा, अभी अगर मान लो अगर आप 1 महीना 2 महीना लगभग अगर आप वेस्ट कर देंगे ये सोचने में कि आपका रिजल्ट क्या होगा, तो अगेन आप इस लूप में फंसते जा रहे हो. जो कि ना करिए ऐसा मिस्टेक. आप लोग सब मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स है, अगर आप लोग CP 1, 2, 3 दे रहे हैं या फिर आप कॉलेज के थर्ड ईयर में होंगे, तो मैं ऑनेस्टली ये बात सजेस्ट करूंगा कि आप अपना टाइम ना वेस्ट करें. क्योंकि वर्किंग लोग का सबसे जो कीमती है, पैसे से भी ज्यादा जो कीमती है वो है टाइम. अगर आप अभी चालू करेंगे, बहुत बार ऐसा आपका डिफिकल्ट पीरियड आएगा. उस समय क्या होगा कि आपके ऑफिस में बहुत प्रेशर आएगा, जैसे क्वार्टर एंड्स होते हैं, रिपोर्टिंग होता है, क्वार्टरली रिपोर्टिंग, एनुअल रिपोर्टिंग, सबका अलग अलग होता है, राइट. उस समय क्या होगा, हफ्ता 2 हफ्ता बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे. तो यू नीड टू बेसिकली मेकअप दैट, यू नीड टू मेकअप दैट.
तो वो मेकअप कैसे होगा आप ये बताओ ना। वो मेकअप तो तब होगा ना जब आप कोर्स को जल्दी चालू करेंगे। वन ऑफ द की स्ट्रैटेजी जिन्होंने भी किया है 4 साल में, 4.5 साल में, 5 साल में, उनका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी ये रहा है कि उन्होंने टाइम पे चालू किया है कोर्स को। आपको भी कोर्स को टाइम पे चालू करना पड़ेगा। वीकेंड पे हमारे क्लासेस होंगे तो वीकेंड आपको अपना लाइव क्लासेस के लिए रखना है, बाकी मंडे टू फ्राइडे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स करने हैं। इस तरीके से आप पोर्शन को 10 से 12 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सिलेबस जो है वो 3 से 4 महीने में कंप्लीट कर सकते हैं। रिजल्ट जो आपका आएगा वो दिसंबर मिड में आएगा और अभी सितंबर मिड है, तो आप तो 3 महीना वेस्ट नहीं करेंगे ना अपना। 90% स्टूडेंट्स जो फेल होते हैं उनका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है, गलतियां बताऊं अगर मैं, सबसे पहला कि वो लोग ये 3 महीना कुछ नहीं पढ़ाई करेंगे, और उसके बाद उनको ये कि इतना बड़ा सिलेबस है कैसे करेंगे। फिर अल्टीमेटली पैसा भी लग जाता है, टाइम भी नहीं रहता है, प्रेशर भी बिल्डअप होता है, ऑफिस में भी आपका परफॉर्मेंस खराब होता है। तो ये सारी चीजों को अवॉइड करिए। आप अगर ट्रेनिंग लेते हो, आप मॉक नहीं देते हो उस पर। आज जितने भी लोगों ने हमसे CP 1-2-3 का, लोगों को लगता है CP 1-2-3 में कोई क्या पढ़ा सकता है, SP लेवल पर कोई क्या पढ़ा सकता है, ऐसे लोग क्या क्या पढ़ा सकता है, बट द पॉइंट इज मॉक्स, द डिटेल्ड इवेल्युएशन विच वी आर डूइंग एट द मॉक लेवल। ठीक है, अभी बेसिकली देखो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज बन सकते हैं एग्जाम देने के लिए, बट मैं ऑनेस्टली, 4 पार्ट है एक्चुअल साइंस कोर्स का, 4 पार्ट है। तो जो बेसिकली 4 पार्ट अगर आप देखोगे, पहला पार्ट में CM CS CB में, CM 1-2 CS 1-2 एंड CB 1-2 में अगर आपका कुछ भी क्लियर नहीं है तो सबसे पहले आप उसको क्लियर करेंगे अभी अप्रैल अटेम्प्ट में। उसके बाद अगर आपका वो क्लियर है, आपने CP 2 दिया है, CP 1-3 पेंडिंग है, वो टेकअप करके दीजिए, CP 1 दिया है, CP 2-3 पेंडिंग है, वो टेकअप करके दीजिए। पहला स्टेज अगर कंप्लीट है, आप सेकेंड स्टेज पे आइए। सेकेंड स्टेज में देखिए कि आपका कौन कौन सा पेपर कंप्लीट नहीं है, अप्रैल अटेम्प्ट में उसको पिकअप करिए। लोग क्या बोलते हैं, लोगों को बोलने दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ 2 से 3 घंटा कंसिस्टेंटली हम जो आपको एडवाइस देंगे, जो रूटीन देंगे, जो लाइव क्लास होगा, वो आपको फॉलो करना है। एंड आपको तो कोई सेंटर तो जाना ही नहीं है, आपको सिर्फ वो फोकस से पढ़ना है। हाँ, आपका CP 2-3 क्लियर है, आपने CP 1 दे दिया, या फिर वाइस वर्जा, आपका एसोसिएट में अब और कोई पेपर नहीं बच रहे हैं, गो टू फेलोशिप पेपर्स। 1 SP अभी चालू करो, नवंबर एंड तक, दिसंबर तक खत्म करो। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यू बिकम एसोसिएट, एक्चुअली आप दूसरा SP भी दे सकते हो, या फिर आप SA भी दे सकते हो, आप दे सकते हैं एग्जाम। क्योंकि SP लेवल में, CP लेवल में सबसे बड़ा जो चीज है ना, उसमें सबसे ज्यादा मैटर करता है डिसिप्लिन, कि आप हर रोज कितना पढ़ रहे हैं। क्योंकि कंटेंट आपको मोटा मोटी आएगा, कंटेंट आपको मोटा मोटी आएगा, और लोग आपको ऐसे ही डराएंगे। लोग ऐसे ही हैं, लोग आपको ऐसे ही डराएंगे, यार तू मत कर। लोगों का ह्यूमन नेचर क्या है, ह्यूमन नेचर क्या है, 3 इडियट्स में क्या बोलते हैं, वो इज ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर इज कोई कुछ नहीं करेगा और आपको भी बोलेगा तू भी कुछ मत कर, यार ये तो बहुत डिफिकल्ट है, 50% उसका काम हो गया, आपको डरा दिया। ऐसा कोई बात ही नहीं है, एक्चुअली बन रहे हैं। IFOA का अगर मैं बात करूं, मैं रिसेंट डेटा का अगर बात करूं, August 24 का डेटा का बात करूं, हजारों की तादाद में लोग बन रहे हैं, ऑल ओवर द ग्लोब लोग बन रहे हैं। वो लोग कैसे कर रहे हैं, जरूरी तो नहीं है हमेशा फेल होके ही पास होना। अगर आप मेहनत करके फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकते हो, अगर आप काम अच्छे से मैनेज करके दिन का 2 घंटा रेगुलरली कंसिस्टेंटली हमारे साथ स्टडी करके अगर आप पास हो सकते हो, तो क्यों नहीं होगे। व्हाई ऑलवेज यू वांट द डिफिकल्ट रूट, इफ यू हैव द नॉर्मल एंड द इजी रूट, व्हाई ऑलवेज यू वांट द डिफिकल्ट रूट। ठीक है, बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी है, और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। मैं ये वीडियो को यूट्यूब पे भी डालूंगा, तो वहां पर भी आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं आपके क्या कॉम्बिनेशन है, एनी पीस ऑफ एडवाइस विच यू लाइक। और अभी मैं जानना चाहूंगा, अभी अगर यहाँ पर कोई भी है जो मेरे से कुछ भी पूछना चाहेगा, तो वो अभी चैट बॉक्स पे टाइप कर सकता है, आई एम अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट 2 मिनट्स। अगर कोई मेरे से कुछ भी पूछना चाहता है कॉम्बिनेशन रिलेटेड, तो वो पूछ सकता है। बट देखो, द ओनली थिंग विच इज स्टॉपिंग यू एंड योर एक्चुअली का जो टैगलाइन होता है FIA का, एक 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 ड्रीम लेके चलो यार, सिर्फ एक ड्रीम लेके चलो कि आने वाला 1 साल 1.5 साल के अंदर में मेरे को एक्चुअली कंप्लीट करना है, तब सब कुछ फॉल इन प्लेस होगा। ठीक है ना, इतना इजी नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल आपको लास्ट का 1-2 पेपर में ही होता है, क्योंकि उस समय सैलरी भी अच्छी आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, टाइम कम होता है, लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। आप अगर डेटा देखोगे, क्वालिफाइड अगर मान लो 100 है, तो 2-3 पेपर
जिनका नहीं है, जिनका लास्ट का दो तीन पेपर बच गया है, वैसे 500 लोग होंगे, मतलब 5x लोग होंगे जो लोग नहीं बन पा रहे हैं, जिनका एक दो तीन पेपर है, तो वो आपको करना है। सीएम टू एंड सीपी टू इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन तंबी, बट यू नीड टू स्टार्ट डियर, यू नीड टू स्टार्ट। अगर आप जीआई में काम कर रहे हैं, SP 7 and 8, दैट इज द बेस्ट थिंग, एंड आर फैकल्टी इज अ क्वालिफाइड, एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज। CB3 रुचि आई विल नॉट सजेस्ट नाउ, CB3 समथिंग आप जो भी नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा ना आप उसमें दे देना। लाइक CB3 को आप इससे कंबाइन मत करो, क्योंकि CB3 का अलग डेट्स होता है, उसमें कुछ भी नहीं करना होता, उसमें एक ऑनलाइन एग्जाम होता है जो आपको देना पड़ता है, आपको प्रोजेक्ट सबमिट करने होते हैं जिसमें आपके ऑफिस कलीग्स आपको अच्छे से हेल्प कर देंगे, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उसमें, ठीक है। तो बेसिकली उनसे आप थोड़ा सजेशन ले सकते हो ऑफिस कलीग से कि CB3 जिनका भी क्लियर है, हम भी गाइड कर देंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसमें, उसमें क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है और कैसे कैसे करके प्रोजेक्ट सबमिट करने पड़ते हैं। दैट इज लाइक बिजनेस स्टडी, ओके। तो दैट इज नॉट एट ऑल आपका पढ़ाई, वो आपको करके बल्कि मजा आएगा, यू विल फील एनर्जेटिक, बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना होता है, 10-20 घंटे स्पेंड करने होते हैं उसमें, ठीक है। सो डेफिनेटली CP1 शुड बी योर टारगेट। मैं तो बोलूंगा जिसका भी CP1 क्लियर नहीं है ना, वो अप्रैल में पहले CP1 दो, CP1 पहले अप्रैल में देना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सर लेफ्ट विथ CS2 एंड फेलोशिप पेपर्स, जस्ट गिव CP1, कैन आई गिव एनी पेपर फ्रॉम IA, बट अर्थ इफ यू गिविंग फ्रॉम IA इट्स अ गुड थिंग, बट यू विल नॉट गेट एग्जेम्पशन इन IFOA। IA का एग्जेम्पशन IFOA नहीं देगा, IFOA का एग्जेम्पशन IA दे रहे हैं। इफ यू वॉन्ट कि भाई आप लास्ट वाला जो ऐसे पेपर है वो आप IA से दोगे, तो आप IA में करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंड दैट कैन बी अ गुड मूव फॉर यू, बिकॉज मैथमेटिकल टाइपिंग नहीं करना पड़ेगा एंड MCQ पैटर्न है। सो डेफिनेटली, एंड अर्थ आई विल टेल यू वन थिंग, आपको CS2 देना चाहिए, बिकॉज CS2 आपको खा जाएगा, तो CS2 आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए। आप इस चीज को टाल रहे हो, बट CS2 आपको कंप्लीट कर लेना चाहिए, दिस इज माई सजेशन, ठीक है। तो बेसिकली इट्स अ वेरी सिंपल स्ट्रेटेजी। ऑफिस में लोग क्या बोल रहे हैं, देखो भेड़ चाल क्या होता है पता है, 100 लोग जो कर रहे हैं वही करेंगे। यू नीड टू स्टैंड आउट, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, दिस इज द टाइम। आप SP लेवल है, चाहे CP लेवल है, चाहे CMC है, CB लेवल है, पेपर्स देना पड़ेगा। आप जो प्रोक्रास्टिनेशन में जी रहे हैं, हो जाएगा कर लेंगे ठीक है, वैसे नहीं होता है। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ एस्पायरिंग एक्चुअरी एंड अ क्वालिफाइड एक्चुअरी। बाकी सारा कुकड अप स्टोरीज है जो आप अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए बोल रहे हो, अरे मेरा तो ये हो गया था, अरे मेरा तो ये हो गया था, अरे मेरा तो तबीयत खराब हो गया था, ये सब सब बकवास बातें हैं, लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। लोग सिर्फ उन्हीं लोगों का बात सुनना चाहते हैं जिन्होंने लाइफ में कुछ फोड़ा है, और फोड़ने के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, हजारों की तादाद में लोग बन रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग ऑफिस के साथ मैनेज करके एग्जाम दे रहे हैं, वो नॉट अ बिग डील, नॉट अ बिग डील यार, कम ऑन। जो प्रॉब्लम आपका है वो सबका है, नॉट अ बिग डील, ठीक है। आई वॉज वेरी क्लियर इन द सेशन, सो दिस वॉज शॉर्ट सेशन, ठीक है ना। एंड बहुत लोग डर जाते हैं एग्जाम देने के बाद में कि क्या होगा, रिजल्ट का देख लेते हैं, अभी तो एंजॉय करेंगे यार, वन लाइफ लिव इट। डेफिनेटली आई ऑल्सो अग्री विद दैट, वन लाइफ लिव इट आपको आएगा, बट ट्रस्ट मी द टेस्ट, वंस यू क्वालिफाई एज एन एक्चुअली, वंस यू गेट योर डिग्री, आप बहुत संघर्ष करके ऊपर तक पहुंचोगे, डेफिनेटली अग्रीड। बट देखो अगर अगर लाइफ को देखे ना, आपका जो डिफिकल्टीज है, जो पेन जो है, पेन जो है, पेन इतना है, पेन इतना है, ठीक है ना, पेन इतना है, और जो सक्सेस है वो सिर्फ इतना है, वो इतना सा होगा, सक्सेस इतना सा होगा, बट सक्सेस का ये वाला जो खुशी है, और जो पेन स्ट्रगल जो भी डिफिकल्टी जो आप बोल रहे हो, ये इतना जो दिख रहा है आपको, ये इसका जो दुख है और इसका जो सुख है, ये सुख ज्यादा होगा, इसका सुख ज्यादा होगा, ये समझना पड़ेगा। फॉर दिस वी आर वर्किंग वेरी हार्ड, वी ऑल आर वर्किंग वेरी हार्ड, एंड जब वो इकोसिस्टम अवेलेबल है, हमने वो इकोसिस्टम बनाया है कि आप अच्छे से कर सकते हो, टाइम बाउंड मैनर में कर सकते हो, SPSA का ट्रेनिंग है, तो मेरे को लगता है आप उसको अच्छे से करके करिए। आप ट्रेनिंग नहीं लेना चाहते कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट स्टार्ट विद द प्रिपरेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। खुद से पढ़िए, अगर आपको सेल्फ करने दिन का 2 घंटा पढ़िए, दैट इज वो आपके ऊपर में, बट डेफिनेटली ट्रेनिंग हेल्प्स। आज हर चीज का एक प्रोफेशनल होता है, राइट। आज आप भी कोई एक प्रोफेशनल काम कर रहे हो, जो क्लाइंट है आपका वो आपके पास आया बिकॉज यू कैरी सम प्रोफेशनल नॉलेज, तो इवन ट्रेनिंग कैरी सम प्रोफेशनल नॉलेज,
सो दैट इज द थिंग दैट वी आर ट्राइंग टू बेसिकली इनकलकेट की यस इट हेल्प्स, डिसिप्लिन हेल्प्स, कंसिस्टेंसी हेल्प्स. ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. आई होप सो इट वॉज अ इनसाइटफुल सेशन. एंड और कोई भी आपको क्वेरी है तो आप इस वीडियो का कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो. ठीक है ना? थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.